आज हम बनाएंगे राजस्थान में मिलने वाली प्याज की कचौड़ी, तो बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मैं हूँ वर्षा, मेरी वर्षा किचन में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप मैदा लेंगे, तो मैदा को हम छलनी में डाल लेंगे, अच्छे से इसको छान लेते हैं। और अब आधा कप मैदा और डाल लेंगे, तो टोटल मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा का यूज़ किया, अच्छे से छान लिया है। अब आधा चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथ पर रखकर इस तरह से रगड़ते हुए इसको डालेंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। और आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 कप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे, आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हो। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे मोयन है सारे मैदा पे अच्छे से लग जाए। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से इसको अच्छे से मोयन कर लिया है, लड्डू एकदम अच्छे से बन रहा है, तो परफेक्ट एकदम हमारा मोयन है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो कचौरियों के लिए हमेशा थोड़ा सॉफ्ट डो ही लगाया जाता है। तो इस तरह से पानी डालकर मैंने अच्छे से इसको समेट लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैंने कचौरियों के लिए आटा तैयार कर लिया, एकदम सॉफ्ट है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा दिया है और ढककर इसे 10 से 15 मिनट रख देंगे। अब स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच साबुत खड़ा धनिया, 8-10 मैंने काली मिर्च ली है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट करीब भून लेंगे। तो जब तक भूनना है इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तो मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम एक खलबट्टे में निकाल लेते हैं, आप चाहो तो मिक्सी में इसको दरदरा पीस सकते हो। तो अब मैं खलबट्टे से इसको हल्का सा दरदरा कूट लूँगी। तो देखिए इस तरह से मसाला मैंने तैयार कर लिया है, साइड में रखेंगे। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, तेल के गर्म होते 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी, हरी मिर्च को चलाते हुए भून लेते हैं। अब 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डालेंगे, इसको भी मैं हरी मिर्च के साथ भून लेती हूँ। और अब इसमें डालेंगे साबुत कुटा हुआ मसाला जो मैंने कूट के रखा था अच्छे से, इसको भी मसाले के साथ भून लिया है। अब यहाँ 3 बड़े साइज़ के प्याज, इसको मैंने इस तरह से काट लिया था। अब मसाले के साथ प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले मिक्स कर लिया है, अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक डालने से क्या होगा, प्याज हल्का सा पानी छोड़ने लगेगी, तो ये प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से प्याज को मैंने भूनकर तैयार कर लिया। अब 2 चम्मच इसमें बेसन डाल लेंगे, तो बेसन से इसका टेस्ट और बढ़ेगा, बाइंडिंग भी आएगी। तो बेसन को भी प्याज के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये हमारा भून चुका है। अब यहाँ 4 उबले हुए आलू को इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे, तो आलू से क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग अच्छी आएगी। और अब मसालों में 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो सभी मसाले डालकर आलू को इस तरह से मैश करते हुए 2 मिनट करीब भून लेंगे। तो जब तक भूनना है हल्दी का कच्चापन चला जाए और मसाला हमारा बढ़िया से अच्छे से बाइंड हो जाए, बढ़िया से भून जाए, बढ़िया सी इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो देखिए इस तरह से मसाले को मैंने भून लिया है। लास्ट में 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे खटास के लिए, और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। तो इससे क्या हुआ, मसालों का जो बैलेंस है टेस्ट अच्छा हो जाएगा, चीनी से मीठा नहीं होगा, एकदम इसका टेस्ट बढ़िया निकल के आएगा। तो इस तरह से मसाला हमने बना के तैयार कर लिया अच्छे से। और अब इसमें लास्ट में डाल लेते हैं बारीक कटा हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फैलाकर इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम थोड़ी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, तो स्टफिंग भरने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से बॉल बना लिए, बाकी की बॉल्स को भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। और अब जो आटा था वो भी रेस्ट कर चुका है, इसे भी हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और मसलने के बाद अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। तो जितनी बड़ी मैंने स्टफिंग की बॉल्स बनाई है उससे थोड़ा बड़ा लेना है आटा, और इस तरह से गोल लोई बना लेते हैं। और अब इसको हम देखिए थोड़ा बड़ा ही बनाया है, अब इसको हम उंगली अंगूठे की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे स्टफिंग इसकी भर जाएगी। तो बीच में से थोड़ा मोटा रखना है और किनारों से थोड़ा पतला। अब हम कटोरी इसको कचौरी को बंद करेंगे, तो किनारे को ऊपर उठाते हुए इसको बंद करेंगे। आप चाहो तो किनारों पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं जिससे कचौरी हमारी खुलेगी नहीं। तो इसको आपको अच्छे से बंद करना है, वरना सिकने में सारा माल मसाला निकल जाएगा कढ़ाई में, कचौरियाँ आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छे से पैक करके इसको हथेलियों से इस तरह से इसको दबा देते हैं। तो हमारी कचौरी बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बेल के ही बता देती हूँ। तो 1 कचौरी की लोई मैंने इस तरह से बेल ली है, और 1 बॉल्स रखेंगे, इसके किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे
और इसे भी हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो पानी लगाने से क्या होगा, कचौरी हमारी खुलेगी नहीं। और देखिए इस तरह से अच्छे से बंद करके हथेलियों से ही दबाएंगे तो कचौरी हमारी ये भी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। और हम हल्के गरम तेल में इसको सेकने के लिए डाल देंगे। तो तेल हमारा हल्का गरम ही होना चाहिए। तो यह मैंने 3 से 4 कचौरियाँ सेकने के लिए डाल दी हैं। तो लो फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट सेक लिया है। जैसे ही कचौरियाँ हमारी फूल गई हैं इनको हम पलट लेंगे और अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए 8 से 10 मिनट में हमारी कचौड़ी अच्छे से सिक गई है, बढ़िया सी गोल्डन क्रिस्पी कलर इसका आ गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ियाँ लग रही हैं। और इसी तरह से 4 कचौड़ियाँ मैंने और बना के सेक ली हैं, तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बन के तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।